भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर रुख करते हैं। विशेष तौर पर आपको बता दें कि महापौर प्रतिभा विलास पाटिल के कार्यालय में महिला नगर सेविकाओं की एक विशेष बैठक बुलाई गई। यह बैठक हम आपको बता दें कि शहर के विकास को लेकर रखी गई थी। जैसे कि आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की जब महासभा होती है तो कुछ महिला नगर सेवक अपनी समस्या को उस महासभा में नहीं रख पाती। उनके डर को निकालने के लिए और उनकी समस्या को सुनने के लिए विशेष तौर पर प्रतिभा विलास पाटिल ने इस बैठक का आयोजन किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि महानगर पालिका के सभी इंजीनियर, सभी अधिकारी वर्ग के लोग, सभी प्रभाग अधिकारी भी दिखाई दिए। हम आपको बता दें कि सभी नगर सेविकाओं ने अपनी अपने वार्ड की समस्या महापौर प्रतिभा विलास पाटिल के समक्ष रखा, जहाँ पर महापौर प्रतिभा विलास पाटिल ने तत्काल लिए इनसे संबंधित सभी अधिकारियों को फटकारा और कहा कि जो भी नगर सेवकों की समस्या है उसे जल्द से जल्द हल की जाए। वहीं पर महापौर प्रतिभा विलास पाटिल ने अपने वक्तव्य में कहा कि आने वाली कुछ समय में नगर सेवकों की निधि जब उन्हें प्राप्त हो जाएगी तो वार्ड का विकास पूरी तरह से होता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उपस्थित अधिकारियों में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के उपायुक्त दीपक कुरलेकर, शहर अभियंता LP गायकवाड़, पांचों प्रभाग समितियों के प्रभाग अधिकारी, साथ ही साथ सिटी इंजीनियर, कनिष्ठ अभियंता, वहां पर सभी महानगर पालिका के अधिकारी वर्ग के लोग दिखाई दिए। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए कुछ महिला नगर सेवकाओं ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रतिभा विलास पाटिल के आने के बाद शहर का विकास का काम दिखने लगा है। ये मैं नहीं, खुद स्वतः नगर सेविकाएं जो कि सभी पार्टी दल के लोग हैं, उन्होंने कहा। देखिए इस खास रिपोर्ट को। हमारा वार्ड तो पूरा साफ था और सब काम अच्छी तरह से चल रहा है। ढाई महीने में रोड का काम सब जगह चल रहा है, लेकिन मेरे वार्ड में एक ही नंबर का रहता है ना। हमारा वार्ड तो मंडल ही आता है ना, मंडल वहाँ तो कितना वहाँ तो रोड बाइंडिंग वगैरह सब हो रहा है, तो पूरी घूमी नहीं है, घूमती ना। मेरी मम्मी का चल रहा है, इसलिए मुझे पता है, मेरी मम्मी का मेरा वार्ड है ना, मुझे ज्यादा पता है। वार्ड नंबर 2 तो मैं तो बहुत आपसे सेटिस्फाइड हूँ। पिछले 2.5 साल में हम लोगों का किसी का हुआ होगा, लेकिन वार्ड नंबर 2 का तो कुछ काम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पब्लिक हम लोगों को बोलने लगी थी। लेकिन अभी बहुत अच्छी बात है कि पूरा एरिया हम लोगों का कवर हो रहा है। बहुत धन्यवाद है जो महापौर ने जो किया, आज तक तो कोई नहीं किया और ये हुआ। अब इन्होंने हमारे सब काम का ये करना, इनका बहुत बड़ा शुक्रिया है। प्रथमी मैडम ला या ठिकाने धन्यवाद देते हैं, आणि त्यांनी सर्व नागरिक वस्तीमध्ये जे काय समस्या आहे ते आपल्या मांडायला सांगितले आणि या ठिकाणी महिलाला बोलवण्यात आलेलं आहे। प्रत्येक महासभेमध्ये महिला कोणी बोलू शकत नाहीत, आज चांगल्या मनाने बोलल्यात आणि प्रश्न मांडलं आणि त्या प्रश्नाचे काहीतरी पूर्तता होईल आणि प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा मी बाळगते। बापी भिवंडी की प्रथम नागरिक सौ प्रतिभाताई पाटील, उन्होंने महिलाओं की आज यहाँ पे जो सभा रखी उसलिए सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि अगर हम 20 साल से यहाँ पे नगर सेवक है, लेकिन ये पहली कॉरपोरेशन में ऐसा पहली बार हुआ है कि महापौर ने महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्पेस दिया, एक व्यासपीठ खुला किया है, उसमें वो अपनी समस्याएँ रख सकती है, उनका समस्या का यहाँ पे समाधान भी हो रहा है। सब यहाँ के हमारे जो ऑफिसर्स थे हर एक डिपार्टमेंट के हुआ है, उन्होंने उनके लिए जो जो उनके लिए ऑप्शंस थे वो उन्होंने दिखाए बताए, इसके लिए जो भी अभी प्रॉब्लम्स होंगे डायरेक्टली सॉल्व होंगे, उनको यहाँ पे ज़्यादा कॉरपोरेशन में फेरे मारने की अभी ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और हमारी जो महापौर है उनके लिए अच्छा कमेंट्स भी आ रहे हैं, हमारे मोबाइल पे आ रहे हैं कि आपकी महापौर जो अभी है वो बहुत अच्छा काम करे। 3-4 महीने में हम भिवंडी में जो विकास का उन्होंने ब्लूप्रिंट सादर की थी उसके वजह से उनका अभी जो दौड़ है उनकी चालू हो गई है। आज हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि ये मेरा 3rd टाइम है नगर पालिका में, लेकिन आज तक मुझे बोलने की महासभा में आज तक मैं बोल नहीं सकी। मैं महापौर मैडम का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आज पहली बार उन्होंने महिलाओं की सिर्फ मीटिंग ली और सारे अधिकारियों को बुलाया कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनको बताई, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये महापौर मैडम का एक बहुत ही अच्छा और कामयाब कदम है, हम लोग बहुत खुश है इससे कि हाँ नगर पालिका में जो महासभा में जो प्रॉब्लम उठते हैं वो कचरे, रोड और वही सब मैटर रहता है, लेकिन आज हम लोगों ने अपने वार्ड के कुछ
ऐसे ऐसे प्रॉब्लम भी सॉल्व करे जो आज तक प्रॉब्लम मैडम से बताए हैं जो आज तक महासभा में पहुंच नहीं सके हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि मैडम आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। हमें खुशी है कि हमने महापौर मैडम का साथ दिया है, अब महापौर मैडम भी हमारा साथ दे रही है, तो हम लोग बहुत खुश है इस बात से कि हमको ऐसा महापौर मिली। और आज तक भी मंडी में ऐसा कहीं सफाई नहीं हुआ था, कहीं काम नहीं हुआ था। अब आज 3-4 महीना से ये पूरे भिमंडी को सुधार दिए। ये करके हम लोग को बहुत खुशी हुई कि आज ये मीटिंग रखे। आज तक कभी कोई मीटिंग नहीं रखा था, हम लोगों से कोई पूछा नहीं था कि क्या है, लेकिन हम लोगों से पूछे, हमको बहुत खुशी हुई। कल के ऐसा ही रहेंगी तो आगे जो मीटिंग रखा लेडीज़ लोग के लिए, हमको बहुत अच्छा लगा और हमको बोलने का मौका मिला है। और हम मैडम का आदर्श करते हैं, इज्जत करते हैं, वो हमारी महापौर है। और हमारे जो सोल्यूशन जो भी था हम उनसे बोल पाए, हम लोग महासभा में बोल नहीं पाते हैं। और आइंदा भी अगर कुछ रहेगी बात और मीटिंग लगेगी तो हमको बोलने का फिर से मौका मिलेगा। इसके लिए मैडम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए विशेष तौर पर महिलाओं की मीटिंग रखी गई थी जो महिला नगर से बनी, जानकारी देंगे उद्देश्य क्या था? आज सर्वप्रथम तो मैं सभी महिला यहाँ पे आई थी उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हर बार देखा जाता है कि हम महिलाओं को बोलने के चांसेस रहते नहीं, महासभा में आते हैं अपने साइन करके चले जाते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसके संबंधित अधिकारी कौन है वो उनको कुछ मालूम ही नहीं रहता है। तो उस वजह से उनका ये सब देख के मैंने सभी महिलाओं को हमारे यहाँ महापौर दालन में उनको मीटिंग लिया और उनकी जो जो समस्या उनके वार्ड के हिसाब से जो जो समस्या छोटी छोटी है या बड़ी है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उनका जो काम हम लोग को करना है तो उस संबंध में हम सभी अधिकारी को भी यहाँ पे बुलाए थे। हमारे कुरलेकर साहब और बाकी अधिकारी यहाँ पे आए थे और उनका जो जो समस्या थी उनके ऊपर निवारण निकालने का हम लोग ने उसको आश्वासन दिया। और महासभा में जितना भी हमने उनको बोला था तो आज वो हम करके दिखा रहे हैं। और भिवंडी का जो विकास है वो हम लोग को एक अच्छी तरह से करना है, और वो सत्ताधारी है या बिन सत्ताधारी है ये हमें देखना नहीं है। तो हम लोग को जो जो काम करना है वो सभी नवगर सेवक का करना है। तो इसमें कोई दूमत नहीं है, क्या भिवंडी शहर को एक अच्छा और एक अच्छा मार्गदर्शन देना है, यही हमारा उद्देश्य है। हाँ, सभी पार्टी के नगर सेविका यहाँ पे आई थी, उन्होंने अपनी एक अच्छी व्यक्तिमत्व के हिसाब से, एक महिला महापौर के हिसाब से उन लोग ने मुझे अच्छी एक समस्या जो उनके वार्ड में थी वो उन्होंने बताई, क्योंकि महासभा में वो जरा भी बोल नहीं पाती है। क्या इनकी समस्याओं का निवारण होगा? जरूर जरूर, उनके जितनी भी समस्या यहाँ पे उन लोग ने किए है तो उनका सबका निवारण होगा। मैं सभी हमारे अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, उनको मैंने आदेश भी दिया है कि हमारे भिवंडी शहर के भिवंडी के जितने भी नगर सेवक हैं उनको कोई भी उल्टा सीधा बात करके उनको गुमराह न करे और उनका अच्छे से काम करे, यही हम लोग का उद्देश्य है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।